रोहतास कैमूर तथा औरंगाबाद जिले में पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात अपराधी सुजीत सिंह की मुफस्सिल इलाके स्थित अमरा तालाब के बधैया बाग में हत्या कर दी गई। गैंगवार में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई तथा अमरा तालाब चौक पर भगदड़ मच गई। गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले का रहने वाला सुजीत इलाके में सुपारी किलर के लिए मशहूर था। रोहतास तथा औरंगाबाद जिले में पैसे लेकर इसने कई लोगों की हत्या की थी। कुख्यात सुजीत उस समय चर्चा में आया था जब सासाराम के एक हिंदी दैनिक के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की अमरा तालाब चौक पर ही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। 11 नवंबर 2016 को पत्रकार धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में यह मुख्य आरोपी था। पिछले साल इसकी गिरफ्तारी कैमूर जिला में हुई थी, लेकिन कुछ महीनों से ये जमानत पर था तथा इलाके में बालू तथा पत्थर कारोबारियों से वसूली में संलिप्त था। बता दें कि आज से 3 साल पूर्व जिस चौराहे पर अपराधी सुजीत ने पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की हत्या की थी, आज उसी चौराहे पर सुजीत भी मारा गया। लोगों के मुताबिक अपराधियों ने दिन दहाड़े सुजीत को कई गोलियां मारी तथा बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। एएसपी राजेश कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 लाइव। की सूचना मिली कि बढ़िया बाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है, वहाँ पर कुछ फायरिंग वायरिंग किया गया है। उसी सूचना पर हम लोग यहाँ आए तो आने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक व्यक्ति का जो है मतलब शव यहाँ पड़ा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा है कि गोली उली मारकर उसकी हत्या की गई है। तो इसके बारे में विशेष रूप से ऐसे तो अभी परिजनों के द्वारा इसकी पहचान नहीं की गई है, लेकिन कुछ जो लोग इसको देख रहे थे उसके द्वारा बताया जा रहा है कि शायद इसका सुजीत सिंह नाम बताया जा रहा था। और इधर हाल के 15 दिनों के आसपास से ये यहाँ पे रह रहा था। ये पहाड़ का तराई का क्षेत्र है यहाँ पर, और यहीं पर 2 कमरा बना हुआ है। उसी में लोग बता रहा था कि यहाँ एक संतोष सिंह करके एक आदमी था जो पहले से यहाँ रहता था, उसी के साथ ये लड़का भी यहाँ रहता था। और अब आज की घटना के बारे में लोग जो पूछताछ में बता रहे हैं उनका कहना था कि कुछ ही लोग 2-4-5 लोग इसी तरह से आपस में बैठे हुए थे और इन लोग का आपसी विवाद हुआ है, उसी में किसी के द्वारा इस पर फायरिंग कर दी गई है।